खबर के रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता देते हैं, आम जनता पर महंगाई की एक बार फिर मार पड़ी है। बता दें आपको जानकारी यहाँ पर ये कि महंगा हुआ एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर। जी हाँ, एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, 100 रुपए महंगा हुआ है कमर्शियल सिलेंडर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। दिल्ली में तो आम जनता पर महंगाई की एक और बड़ी मार जो है वो यहाँ पर पड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महंगा हुआ एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 100 रुपए महंगा हुआ है कमर्शियल गैस सिलेंडर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में 2101 रुपए हुआ 1900 किलोग्राम वाला सिलेंडर, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें आ रही है। तो आम जनता पर महंगाई की मार, कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है, 100 रुपए महंगा हुआ है कमर्शियल सिलेंडर। तो अब 100 रुपए बढ़ने के बाद आपको पता, दिल्ली में अब ये कमर्शियल गैस सिलेंडर 2101 रुपए हो गया है और आम जनता पर महंगाई की बड़ी मार यहां पर पड़ी है। शहजाद मलिक हमारे सहयोगी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो शहजाद, महंगाई की एक बार फिर बड़ी मार जो है वो यहाँ पर पड़ी है, कमर्शियल गैस सिलेंडर के जो दाम है वो यहाँ पर बढ़े हैं 100 रुपए। देखिए बिल्कुल अंजलि, महीने का पहला ही दिन है और जो है पहले ही दिन पेट्रोलियम कंपनियों ने जो है आम आदमी को झटका दिया है। देश में जो है कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम है वो बढ़ा दिए गए हैं और तकरीबन 100 रुपए की जो भारी बढ़त उसमें की गई है। इससे जो है जो कमर्शियल जगह है जैसे रेस्टोरेंट है या होटल है या अन्य जगह है वहाँ पर खाना पीना जो है महंगा हो सकता है। अगर हम इस बढ़त की बात करें तो अब दिल्ली में जो है 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर जो है 2100 रुपए को पार कर गया है, 2101 रुपए जो है उसका रेट पहुंच गया है। अगर हम नवंबर के महीनों की बात करें तो ये 2050 रुपए 50 पैसे थी, 2000 रुपए 50 पैसे कीमत थी। अगर हम घरेलू सिलेंडर की बात करें तो इसमें हालांकि कोई इजाफा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर में जो है 100 रुपए का भारी इजाफा किया गया है। बिल्कुल शहजाद, हालांकि वजह अभी इसके पीछे क्या समझी जाए, क्योंकि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने वैसे ही इंसान के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी, क्योंकि बढ़ती महंगाई के दौर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और अब एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडरों में 100 रुपए महंगा होने, क्योंकि पिछले महीने 2000 की बढ़त यहाँ पर हुई थी और अब यहाँ पर 100 रुपए की बढ़त यहाँ पर कर दी गई है। देखिए बिल्कुल अंजलि, जब पिछले महीने की बात करें तो हम उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ था, 200 रुपए से ज़्यादा का इजाफा जो है किया गया था गैस सिलेंडर में। और इसके बाद जो है अब फिर दोबारा से महीने का पहला ही दिन है और पहले ही दिन जो है 100 रुपए का इजाफा किया गया। देखिए हम अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो जब लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे थे उस दौरान सरकार ने जो है एक्साइज ड्यूटी कम कर पेट्रोल डीजल दोनों की कीमतों को कम किया था और अब जो है काफी राजनीतिक के जो ये मान रहे हैं कि जैसे पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की गई थी वैसे ही जो है मोदी सरकार जो है एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को भी कम करे, तो जाहिर सी बात है जो रेट बढ़े हैं उससे आम आदमी को झटका तो लगा ही है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मोदी सरकार जो है इस पर भी कोई फैसला लेकर आम जनता को राहत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक इस तमाम जानकारी के लिए। तो राहत की उम्मीद यहाँ पर, क्योंकि अब अगर आप बाहर खाना खाने जाते हैं, किसी मॉल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो फिर महंगाई की मार जो है वो वहाँ पर मेन्यू में जरूर देखने को यहाँ पर मिल सकती है। कमर्शियल सिलेंडर जो है वो यहाँ पर महंगी हो गए एक बार फिर 100 रुपए और एक और